हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. आई सनी फ्रॉम मॉडर्न ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुकेरियां. देर आई वर्क इन एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट. टुडे आई गिव ए लेक्चर ऑन मशीन ड्राइंग, चैप्टर वन, इंट्रोडक्शन अबाउट मशीन ड्राइंग. इससे पहले भी मैंने एक वीडियो दी थी, उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट था, ऑब्जेक्टिव एंड कोर्स आउटकम थी. अब इसमें हम व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मशीन ड्राइंग उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि मशीन ड्राइंग करने के लिए हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए और उनकी वर्किंग क्या है. फर्स्ट है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन, दिस स्टडी ऑफ मशीन ड्राइंग इज़ मेनली इन्वॉल्व लर्निंग टू स्केच मशीन पार्ट एंड टू मेक वर्किंग एंड असेंबली ड्राइंग्स. This involves a study of those conventions in drawing that are widely adopted in engineering practice. Yeah, this is the study of machine drawing mainly involved in learning sketch machine parts. कि हमने कौन से करना है, स्केच करना है किसका, मशीन पार्ट्स का, दैट इज मशीन ड्राइंग. And to gain a knowledge of working parts of machine, machining tool, machining parts. Okay. Now second one is machine drawing possesses good knowledge not only in preparing a correct drawing but also to read the drawing correctly. ऐसे हमें क्या पता चलता है कि machine drawing not only give a good knowledge about preparing a correct good drawing. हमें सिर्फ गुड ड्राइंग बनाना नहीं सिखाती जे, बट टू रीड करने में भी हेल्प करती है कि जो कोई ड्राइंग है उसमें कौन सा पार्ट कहाँ लगा है, उस पार्ट्स की डिमेंशन क्या है और कैसे उसको ड्रॉ करना है. ठीक है, ओके. तो नेक्स्ट स्लाइड इज इक्विपमेंट यूज्ड इन ड्राइंग. कौन कौन से इक्विपमेंट यूज्ड करेंगे हम ड्राइंग में, जब हम ड्राइंग बनाना शुरू करेंगे. सबसे पहले हमारे पास जे जे चीज़ें होनी चाहिए. फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ड्राइंग शीट. ड्राइंग शीट सबसे पहले होनी चाहिए. ड्राइंग शीट सबसे पहले तो ड्राइंग शीट नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, वाइट इन कलर होनी चाहिए एंड ये इजीली अवेलेबल मिल जाएगी आपको मार्केट में. वहाँ पर जाकर ड्राइंग शीट लेनी है, नोटेड चार्ट. वहाँ पर चार्ट भी देते हैं, चार्ट नहीं लेना, नोटेड ड्राइंग चार्ट ओनली ए ड्राइंग शीट. अकॉर्डिंग टू बुक ड्राइंग शीट की डिफरेंट डिमेंशन है. A0 साइज, A1 साइज, A2 साइज, A3 साइज, A4 साइज, A5 साइज. यानी आप जब मार्केट जाओगे ड्राइंग शीट बोलोगे तो वो आपको सिंपल ड्राइंग शीट मिल जाएगी एक सूटेबल डिमेंशन में. ठीक है, नेक्स्ट इज ड्राइंग बोर्ड. ड्राइंग बोर्ड भी आपको इजीली मिल जाएगा. ड्राइंग बोर्ड इट इज़ ए मेड ऑफ वुडन एंड सरफेस इज प्लेन सरफेस. इसका साइज भी सेम होता है ड्राइंग शीट जितने. ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग शीट हो गई, ड्राइंग बोर्ड आ गया हमारे पास. थर्ड वन इज सबसे मेन पार्ट क्या है, पेंसिल. अब पेंसिल तो पता ही आपको सभी को कि पेंसिल कौन से काम आती है. पेंसिल इज यूज टू ड्रॉ ऑन ए पेपर, सिंपल. एनी टाइप ऑफ पेंसिल इज नॉट सूटेबल इन ड्राइंग. कोई भी पेंसिल है वो सूटेबल नहीं है और कोई, इसके लिए स्पेशल टाइप की पेंसिल हमें यूज करनी होती है. Every line of drawing should indicate its importance. It depend upon the hardness of pencil. Based on the hardness, quality pencil are classified into 18 grades. 18 grade में pencil को divide किया हुआ है. ठीक है, वो 18 grade कौन कौन से हैं, सभी ने सुना है ना, H pencil, 2H pencil, वही है ये 18 grade. सबसे पहले H, फिर 2H, सोन अप टू
9 एच की तरफ, और इस साइड आ जाओ एफ 2F अप टू 7F तक, और सेंटर में आ जाएगी हमारी, और सेंटर में हमारी आ जाएगी एच बी पेंसिल। एंड एच बी पेंसिल फिर शुरू करते हैं। पेंसिल की टाइप 18 ग्रेड कौन कौन से पेंसिल के, सबसे पहले मिड में आएगी एच बी, और इस साइड 1H अप टू 9H, 1H से लेकर 9H तक, और इस साइड 1B से लेके 7B तक। H डिनोटेड फॉर हार्ड एंड B डिनोटेड फॉर सॉफ्ट। सेंटर में आ जाएगी एच बी और एफ पेंसिल, दो ग्रेड ये हो गए, और जहाँ से लेके एच से लेके 9 तक 9 ग्रेड ये, 1 से लेके 7 तक 7 ग्रेड दे, टोटल हो गए 18 ग्रेड। सो वी यूज इन ड्राइंग 18 ग्रेड ऑफ पेंसिल, ठीक है। इन 18 ग्रेड पेंसिल हम यूज करते हैं, एच फॉर हार्ड एंड बी फॉर सॉफ्ट पेंसिल। एच से वन एच टू एच आगे जाते जाएंगे तो हार्डनेस हमारी इंक्रीज होती जाएगी। इस साइड बी से 1B 2B 3B 9 7B तक जाएंगे तो हमारी सॉफ्टनेस इंक्रीज होती जाएगी। तो ज़्यादातर हम कॉमन पेंसिल कौन कौन सी यूज करते हैं ड्राइंग में, द फॉलोइंग ग्रेड्स आर यूज इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, 3H कंस्ट्रक्शन 3H पेंसिल, 3H फॉर कंस्ट्रक्शन लाइन, 2H पेंसिल डिमेंशन लाइन, सेंटर लाइन, सेक्शन लाइन एंड हिडन लाइन। जो भी हमने ड्राइंग ड्रॉ करनी है उसमें से डिफरेंट लाइन यूज करते हैं। डिफरेंट लाइन में डिमेंशन के लिए कौन सी पेंसिल, सेंटर लाइन के लिए, सेक्शन लाइन के लिए, हिडन लाइन के लिए, कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए कौन सी पेंसिल, एंड ऑब्जेक्ट लाइन के लिए ओनली एच पेंसिल, लेटर लिखने के लिए कौन सी पेंसिल, एच पेंसिल। नाउ एच बी पेंसिल फॉर डिमेंशनिंग एंड बाउंड्री लाइंस, डिमेंशनिंग एंड बाउंड्री लाइंस। सो दीज आर द पेंसिल एंड यूज ऑफ पेंसिल अकॉर्डिंग टू ग्रेड्स। नेक्स्ट स्लाइड इज ये आ गया हमारा इंजीनियरिंग ड्राफ्टर। इंजीनियरिंग ड्राफ्टर क्या होता है, इट इज दी दिस प्रोवाइड ए फंक्शन ऑफ स्केल, ठीक है, स्केलिंग का फंक्शन देता है। इसमें दो स्केल लगे होते हैं, फर्स्ट इज इन हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड वन इन वर्टिकल डायरेक्शन, दे बोथ आर एट 90° एंगल। ये होता है हमारा ड्राफ्टर, ये हमारा ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड की एक साइड पर हम ये जॉइंट होता है, जॉइंट किसका, ड्राफ्टर का। ड्राफ्टर के पिन लगे होते हैं जहाँ पर हम टाइट करके स्क्रू टाइट कर देते हैं किसे, ड्राफ्टर को। अब ड्राफ्टर को एक साइड पर टाइट कर दिया, और दीज आर्म्स आर मूवेबल। अभी ये आर्म्स पूरी ड्राइंग बोर्ड को कवर करती है, हमें जहाँ पर भी लाइन लगानी थी इस ड्राफ्टर को उठाया, जहाँ पर सेट किया, और लाइन पैरेलल लाइन जहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ की अकॉर्डिंग टू लेंथ और एंगल। इसमें एंगल भी मेजर कर सकते हैं, दैट इज द इंजीनियरिंग ड्राफ्टर। इट इज वाइडली यूज इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ड्राइंग एंड मिनिमम द टाइम, इट रिड्यूस द टाइम। जब हम स्केल से ड्राइंग ड्रॉ करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है टू सेंटर लाइन के लिए, बट विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्टर इट इज ए सिंपली यूज्ड एंड रिड्यूस द लॉसेस ऑफ टाइम। ओके, इंजीनियरिंग ड्राफ्टर हो गया। नेक्स्ट वन इज, फिर पेंसिल आ गई। पेंसिल कौन सी, मैकेनिकल पेंसिल।
जब आप बिगनर हो, शुरू में हो, ड्राइंग बना रहे हो, तो आप पेंसिल यूज़ करोगे वही HB पेंसिल, 2H पेंसिल। ज़्यादातर हम पेंसिल यूज़ करते हैं 2H, 2H और HB या HJ वाली पेंसिल यूज़ करते हैं, अकॉर्डिंग टू डिमेंशन, लाइंस कौन सी लाइन हमें ड्रा करनी है उसके हिसाब से। बट जब जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, तब हम पेंसिल यूज़ करने लगते हैं मैकेनिकल पेंसिल। मैकेनिकल पेंसिल की क्या खासियत है, इसमें एक रिफल होता है एक डेफिनेट थिकनेस का, उसी रिफल से हम ड्राइंग ड्रॉ करते हैं। जहाँ पर हमें लगता है कि जहाँ पर लाइन लगानी है, डार्क लाइन या सॉफ्ट लाइन या डैश लाइन या लाइट लाइन, हम इसी से ड्रॉ कर लेते हैं एक ही पेंसिल से, अकॉर्डिंग टू यूज़, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस। जब जब हमारी जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाती है पेंसिल से, तो हम एक ही पेंसिल से शुरू कर देते हैं, दैट इज़ मैकेनिकल पेंसिल। इट इज़ ए ऑल्सो ए यूजफुल पेंसिल आफ्टर 1H, 2H, 3H पेंसिल। एंड अनदर रिक्वायरमेंट इज इरेजर। इरेजर का तो आपको पता ही है, व्हाट आर द यूज़ ऑफ इरेजर। इरेजर का यूज़ है हमें जो भी हमारी गलत लाइन लग जाए जहाँ उसे रब करने के लिए। बट इरेजर होनी चाहिए डस्टलेस, जब हमें लाइन लगे तो इजीली रब हो जाए, उसका निशान ड्राइंग शीट पर ना रहे लाइन का, ठीक। और नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आर कंपास। कंपास आपको पता ही है, व्हाट इज कंपास, व्हाट आर द यूज ऑफ कंपास। कंपास इज यूज फॉर सर्कल, टू ड्रॉ ए सर्कल, ड्रॉ ए रेडियस, ठीक। एंड नेक्स्ट वन इज स्केल। स्केल की जरूरत भी पड़ती है, बट ऑलमोस्ट सारा काम ड्राफ्टर से चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर मींस, प्रोटेक्टर में हम बोलते हैं ना हिंदी में डी, डी जरूरी चाहिए डी। प्रोटेक्टर इज दिस वन इज प्रोटेक्टर फॉर एंगल मेजरमेंट के। और एंगल का काम भी कौन कर देता है, ड्राफ्टर। बट शुरू में आपको ड्राफ्टर चलाना अच्छे से नहीं आएगा, तो थोड़ा बहुत एंगल हम डी से लगा लेंगे। और लास्ट पार्ट इज इसका क्या है, ड्राफ्टिंग टेप, ड्राफ्टिंग टेप या सेलो टेप, इसीलिए यूज़ करते हैं इसके। इट इज़ यूज फॉर पेस्ट द ड्राइंग शीट ऑन ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड में ये ड्राइंग, ये हमारा ड्राइंग बोर्ड, उसमें शीट लगा दी। अब शीट को पेस्ट करने के लिए जहाँ पर हमें टेप लगा दी, ताकि हमारी शीट यहाँ से उठे ना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड इज टाइटल बॉक्स। टाइटल बॉक्स ऑल्सो इज द मेन पार्ट ऑफ द टू स्टार्ट ए ड्राइंग। जब भी हमने ड्राइंग शीट लगा दी, तो सबसे पहला हमारा काम होता है टाइटल बॉक्स बनाना। टाइटल बॉक्स क्या है, इट इज़ द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट और एनी वन पर्सन हु ड्रॉ ए ड्राइंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। टाइटल बॉक्स है क्या, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज टेबल। टेबल के ऊपर हमने ये वाली ड्राइंग शीट लगा दी, ये हमारी लग गई ऊपर ड्राइंग शीट। अभी हमने क्या करना है, इसमें कोई भी ड्राइंग ड्रॉ करनी है, जहाँ पर कोई भी ड्राइंग ड्रॉ करनी है। उस ड्राइंग ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, वो इंफॉर्मेशन देनी होती है इस वाले कोने में, लोअर राइट कॉर्नर में, दैट वन इज़ टाइटल बॉक्स। ये हमारा टाइटल बॉक्स जहाँ पर हमें बनाना होता है एवरी शीट में, दिस वन इज टाइटल बॉक्स। जहाँ पर क्या होता है, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ अबाउट ड्राइंग, हम क्या बना रहे हैं और जो बना रहा है उसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब हम बताते हैं इसकी डिमेंशन है क्या, दिस वन इज द टाइटल बॉक्स। टाइटल बॉक्स डिमेंशन फॉर टाइटल बॉक्स इज, ये हमारा सारा टाइटल बॉक्स। अब टाइटल बॉक्स को डिवाइड किया है हॉरिजॉन्टल में 150 mm और वर्टिकल में 50 mm। अब 50 mm को भी डिवाइड किया 10, 10, 10 एंड 20 में, और 150 को
50 50 50 थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। फर्स्ट 50 पार्ट को डिवाइड किया पहले 10, फिर 10 mm 10 mm और 20 mm, ठीक। अब इसमें लिखना क्या है, हमने फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट बॉक्स में लिखना है नेम ऑफ स्टूडेंट, उसकी क्लास कौन सी है, व्हाट इज द रोल नंबर एंड डेट ऑफ ड्राइंग, जब वो ड्राइंग डॉट कर ड्रॉ कर रहा है उस टाइम की डेट कौन सी है। नेक्स्ट 50 एंड 50 mm को 10 10 10, इस साइड भी 10 और ये पार्ट है कौन सा है 20 एंड ये भी 20। अब इस पार्ट 20 वाले पार्ट में लिखना है टाइटल, टाइटल किसका, ड्राइंग का, कि ड्राइंग का नाम क्या है, जहाँ किसी कॉलेज में पढ़ रहे उस कॉलेज का नाम आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर ड्राइंग नंबर कौन सा है, उसका ग्रेड, ग्रेड ग्रेड तो वो देना, वो एग्जामिनर होगा ना वो देगा ग्रेड, और वैल्यूड बाय उसके साइन आ जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट इस वाले पार्ट में क्या करेंगे हम, इसमें इसमें स्केल यूज़ करें, कौन सा स्केल यूज़ करें, रिड्यूस्ड स्केल या इन लार्ज स्केल, मीन्स उसकी डिमेंशन हमने कम की है तो लिखेंगे, अगर कम नहीं की तो भी लिखेंगे, अगर हमने उसकी डिमेंशन इंक्रीज की है तभी हम लिखेंगे हमने कौन सा स्केल यूज किया, और दैट इज़ द प्रोजेक्शन, हमारी प्रोजेक्शन कौन सा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, उसका सिंबल आ जाएगा अकॉर्डिंग टू यूज, आपको समझ आ जाएगी। दैट दिस इज द फॉर टाइटल बॉक्स फॉर टू स्टार्ट ए ड्राइंग, ठीक। सो ये इतना था आज का, थैंक्स, नेक्स्ट मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स एंड जय हिंद।